है, ब्रश टूल हो गया और ये सारे टूल्स भी हमारे पास हो गए, स्केल रोटेट वगैरह हो गए ना, स्केल रोटेट इरेजर वगैरह, ये सारी चीज़ें भी हमने पढ़ ली। ठीक है, वॉब टूल हमने पढ़ा था, बस आज हम इसी टूल को वाइंड अप करते हैं। ये पूरी बार हमने आज स्टडी करनी है, इस पूरी बार को कहते हैं लिक्विफाई टूल बार। ठीक है, ये सारे टूल्स जो हैं वो रीशेपिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिससे आप कोई भी शेप बनाओ और उसको मॉडिफाई कर सको। पहला जो ऑप्शन है वो है विड टूल। विड टूल का काम ये होता है कि आप स्ट्रोक लाइन जो है उसमें वेरिएशन लेकर आ सकते हो। ठीक है, और ये यहां आपके पास ऑटो सेव हो गया। आप इसको परमानेंट सेव करना चाहते हो, आप इस चीज को परमानेंट सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मैंने स्ट्रोक की वेरिएशन डिफाइन कर दिया। मैं यहाँ पे सर्कल लेता हूँ, सर्कल का जो साइज है वो 8 लेता हूँ। अब जो भी मैं वैल्यू दूंगा वो 8 के लिहाज से चेंज होगा। ये सबसे बड़ी वैल्यू थी, ये सबसे बड़ी वैल्यू 8 के ऊपर चली गई और उसी के मुताबिक जो वेरिएशन डेवलप हुई है वो यहाँ पे इस लिहाज से डेवलप हुई है। ठीक है जी, नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है वॉब टूल। सर्कल लिया, अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद स्ट्रोक मैं वापस कर देता हूँ बंद। वॉब टूल बेसिकली फैलाने के लिए यूज किया जाता है, जैसे ये मैंने फैला दिया। डबल क्लिक करके हम इसके सेटिंग्स पे जा सकते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी मैं बढ़ा देता हूँ, तब देखो एक दफा में कितना ज्यादा ट्रैक हो रहा है। हो गया स्मूथ, सारी चीज़ें यहाँ से करना। देखो सर्कल के थ्रू ही हमने ये चीज़ बनाई और कितने आसानी से हमने इस चीज़ को बेहतर कर लिया। बन गया पूरा, पेन टूल से बनाते कितना टाइम लगता, मगर हमने एक सर्कल के थ्रू इस चीज को लेते हुए बहुत आसानी से बना लिया। फिर इसके अंदर आता है ट्विल टूल। ठीक है, डबल क्लिक करो, ये इसकी सारी सिंप्लिसिटी है, डिटेल कितनी हो, डायमीटर कितना हो, परसेंट डायमीटर तो मैं किसी में भी जाके चेंज करूंगा, सब में चेंज हो जाएगा क्योंकि ग्लोबल सेटिंग है। ग्लोबल मतलब फॉर ऑल, ये जितने भी टूल्स हैं इन सबकी एक सेटिंग हो जाएगी, जिन जिन में डायमीटर है। मैं इसको कर लेता हूँ 15%। ठीक है, मैं इसको कर लेता हूँ काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब इसको माइनस कर लेता हूँ। अब ये दूसरी तरफ से फैलेगा, मुझे पूरे बालों में ज़रा वेरिएशन चाहिए जिगजैग वाली, तो मैं यहाँ से इसको दे सकता हूँ। यहाँ से मैं आता हूँ, ऐसा मैं ले सकता हूँ। अब इसी के अंदर
ये तो पेन है, ये मैंने लाइन बनाई, इस लाइन के अंदर फिल मैंने ख़त्म कर दिया, दोनों को सिलेक्ट किया, डिवाइड कर दिया, जितना एरिया बालों का आ गया अनग्रुप करके इसको ब्लैक कर लो। यहाँ से जितना उठाना है, जितना सेट करना है, वो वॉक टूल के थ्रू किया जा सकता है। ठीक है, अब इसी में मैं कहता हूँ कोई बालू का एक पीस निकल के जा रहा हूँ, तो ये बेसिकली टिप बनाता है। मिला सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, तो कोई भी फील इस तरह से हमें देनी हो, सेट करनी हो, हम यहाँ से बहुत मुनासिब तरीके से कर सकते हैं। ब्लोट क्या करता है, ब्लोट बाहर की तरफ फैलाता है, या अंदर की तरफ करना है तो वो करता है, मगर ये सर्कुलर फॉर्म में करता है। सब बालों को सेट कर, और इसी के पुकड़ से हमने इसकी टिप भी निकाल ली। तो जिस तरह के बाल, जिस तरह की डिजाइनिंग, जिसे कैरेक्टर हमने करने हैं, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास है स्कैलप टूल, अंदर की तरफ कर रहे हैं, इसी तरह से बाहर की तरफ भी कर सकते हैं। अब इसी के अंदर देखो, इसे अगर मैं ये बना रहा हूँ, देखो ये राउंड से बने हुए आ रहे हैं, ये राउंड से बने हुए आ रहे हैं, इस तरह की कोई भी फील ये हो तो हम इससे दे सकते हैं, बहुत अच्छी बना सकते हैं। लिप्स के अंदर हल्का सा टेक्सचर आता है, लाइनों से बनी वाली फील हम इससे बहुत अच्छी दे सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर देखो, फील करो, मैंने यहाँ पे इसको कर दिया कॉम्प्लेक्स वन है, डिटेल में इसकी 4 कर देता हूँ। अब क्या फ़र्क आ रहा है, पहले के मुकाबले में ज़्यादा रेजेस हैं, और इसी के अंदर अगर मैं कहता हूँ कि मुझे कॉम्प्लेक्स भी 2 चाहिए, तो कितना फर्क आएगा, कितनी सारी आ गई। चलो मैं डिटेल कम कर देता हूँ, वापस 2 कर देता हूँ, इसके मुकाबले में कितनी ज़्यादा लाइन बनी है, डबल लाइन। तो जितना कॉम्प्लेक्स करते रहोगे, उतना कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन मतलब इतनी ज़्यादा लाइन को क्रिएट करते रहेगा। इसी तरह से इसके स्लाइस है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो और बाहर से भी निकाल सकते हो, अंदर से बाहर की तरफ और बाहर से अंदर की तरफ, कोई भी इस तरह की फील हम दे सकते हैं। अब इसी तरीके से इसमें आप अगर देखो, तो यहाँ पे भी आपके पास कॉम्प्लेक्स है, आपने कॉम्प्लेक्स 2 कर दिया, कितने निकल गए, ठीक है। और अगर मैं इसकी डिटेल भी बढ़ा दूँ, सारे पॉइंट्स बन गए। अब आप चाहो तो कम से कम डिटेल के अंदर जिस तरह से चाहो एडजस्टमेंट कर सकते हो, बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास रेक्टेंगल है, मैंने
सब वो एरिया बनाया है, क्या कहते हैं उसको, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ नीचे लेकर आ गए। इसी तरह से वेरिएशन डेवलप करते रहो, सेट करते रहो, एडिशनल सेटिंग्स वगैरह जो भी चीज़ें इसमें ऐड करनी, जो भी चीज़ें देनी है, पहाड़ रेगिस्तान वगैरह जो भी आपने डिज़ाइन करना है, वो आप बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पे चीज़ें बहुत कम टाइम में डिज़ाइन कर सकते हो। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे टूल है रिंकल ज़िगज़ैग करने के लिए, आप दोबारा जाओगे और डिटेल बन जाएगी। इन चीज़ों के थ्रू बहुत से डिज़ाइन बन सकते हैं, इक्वलाइजर बन सकता है, कोई भी चीज़ जो आप फील करना चाहो, कराना चाहो, कर सकते हो। अब जैसे वुड का इफेक्ट होता है, फिर आपके पास दरख्त के ऊपर जो सेटिंग बनी हुई होती है, वो इसी तरह की कुछ कलरिंग टेक्सचर्स बने हुए होते हैं, वो तमाम चीज़ें जो टेक्सचर वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं, वो तो हम यहाँ बहुत अच्छे तरीके से सेट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी आप इन्हीं चीज़ों को देखो, और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए आप ना इस तरह का कोई सैम्पल क्रिएट करो। इलस्ट्रेशन में गए, लैंडस्केप में गए, ये सारे सैंपल्स पड़े हुए हैं, आप इसमें से कोई भी चीज़ बनाओ जो आपको लगता है किसी चीज़ से रिलेटेड, जैसे ये वाला है पहाड़ वाले तो इसी तरह से बन जाएंगे, ठीक है। ये वाली चीज़ आप बना सकते हो, ठीक है, पहाड़ी एरिया बना सकते हो, फिर तो इस पहाड़ी एरिया में इस वाले सीन को टारगेट कर सकते हो, लेक वगैरह में। ग्रेडियंट आता है ऊपर से नीचे। हाँ, ये तो ग्रेडियंट है, ये तो ग्रेडियंट में हम अभी तो हम शेप को डिस्कस कर रहे हैं ना, शेप हम पे हम जितना फोकस कर लें वो हमारे लिए बेहतर है। या ये बना लो, देखो इसमें डिस्टॉर्शन कितनी आ रही है, सारी चीज़ें कर सकते हैं। और ये ब्लोट्स हम बना सकते हैं, इधर से निकालिए, उधर से निकालिए, तो सारी चीज़ों की एग्जाम्पल ये है। तो इसको ट्राई करो, इस वाली आर्ट वर्क को तीनों मिलकर ट्राई करो, ठीक है। अभी